शहर से लापता हुई पोस्ट ऑफिस की महिला कर्मचारी रितु कसेरिया का शव गुना में पड़ा मिला, शव 6 टुकड़ों में मिला है। महिला कर्मचारी रितु कसेरिया का शव गुना में पड़ा मिला है, शव 6 टुकड़ों में मिला है। महिला के हाथ पैर सिर सभी अलग अलग पड़े मिले हैं। महिला 10 जून को लापता हुई थी, उसी दिन रात को ही शव गुना रेलवे लाइन के पास पड़ा मिला था। महिला के पति ने गुना पहुंचकर कपड़ों से शव की पहचान अपनी पत्नी के रूप में की है। पुलिस की प्रारंभिक जांच पड़ताल में मामला खुदकुशी लग रहा है। परिजनों ने भी अभी तक किसी पर आरोप नहीं लगाया है। मृतक महिला की गुमशुदगी झांसी रोड थाने में दर्ज की गई थी। दरअसल हरिशंकरपुरम इलाके में रहने वाली 34 वर्षीय रितु पोस्ट ऑफिस में कर्मचारी थी। रितु के पति योगेश डॉक्टर हैं। परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा था। इसी के बीच 10 जून को रितु घर से पति से मोबाइल पर बात करते हुए निकली तो फिर लौट कर नहीं आई। जब वह लंबे समय तक घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने तलाश शुरू की। मोबाइल भी बंद था। सूचना मिलते ही पति भी पटना से ग्वालियर आ गया था और उसने अपने परिचितों के यहाँ तलाश की, लेकिन रितु नहीं मिली। इसके बाद झांसी रोड थाना में गुमशुदगी दर्ज कराई गई। रितु का शव 6 टुकड़ों में मिला है, लेकिन बाद में पता लगा है कि वह लापता थी। प्रारंभिक जांच में पता लगा है कि महिला ने ट्रेन के आगे लेटकर खुदकुशी की है। ये ग्वालियर में थाना झांसी रोड में 10 तारीख को एक महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। महिला की आयु लगभग 35 वर्ष है और ये पोस्ट ऑफिस में कार्यरत थी। ये सूचना मिली कि गुना में रेलवे ट्रैक के पास इसकी बॉडी मिली है कुछ टुकड़ों में। इसमें थाना प्रभारी झांसी रोड द्वारा गुना में संपर्क किया जा रहा है और दोनों जिलों के कोऑर्डिनेशन से पता लगाने का प्रयास किया जाएगा कि महिला का ये एक्सीडेंट है या कोई और बात है। और यहाँ से जब गई थी तो ये भी जानकारी है, अपने घर से कुछ लेके नहीं गई थी और गुमशुदगी के समय ये जानकारी भी नहीं थी कि इसकी किसी से कोई विवाद है। पर चूंकि इसकी लाश वहाँ पे मिली है इसलिए, और यहाँ पे गुमशुदगी दर्ज है, तो ये भी इन्वेस्टिगेशन का एक मैटर है और एक टीम गुना भेज के इसको हम प्रयास करेंगे कि इस गुत्थी को सुलझाएं।